कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा है कि बीजेपी की सरकारें विकास का ढिंढोरा पीट रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसान लगातार खुदकुशी करने को मजबूर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि कांग्रेस संघर्ष की पार्टी है और महापुरुषों के दिखाए राह पर चलने में यकीन करती है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि केंद्र और राज्य में सत्ता से बाहर होने के बाद भी जनता का संघर्ष पार्टी को मिल रहा है। धनबाद से चंद्रपुरा के बीच खदानों में लगी आग के चलते 35 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। रेलवे के आला अधिकारियों के मुताबिक 15 जून से लागू होने वाले फैसले का असर ट्रैक पर चलने वाली 19 ट्रेनों पर पड़ेगा। इससे रेलवे को 2,750 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। सीएम रघुवर दास ने महिलाओं के नाम पर होने वाली अचल संपत्ति का निबंधन महज 1 रुपए में किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसमें तकनीकी पेच फंस गया है। रांची के पिठोरिया के किसान कालेश्वर महतो की खुदकुशी मामले ने तूल पकड़ लिया है। किसान की खुदकुशी को लेकर विपक्ष ने जहां सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, वहीं सीएम रघुवर दास ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने किसान कालेश्वर महतो की खुदकुशी मामले में सरकार के सामने मांग रखी है। सोरेन ने किसान आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश को सीएनटी एसपीटी संशोधन की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि उनके स्क्रिप्ट राइटर ने सही भाषण लिखकर नहीं दिया, इसीलिए नीतीश गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने सीएनटी एसपीटी पर सरकार के कदम का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों मूल वासियों के शत प्रतिशत हित में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। गिलुवा ने कहा कि जो आदिवासी स्वेच्छा से अपनी जमीन पर रोजगार करना चाहते हैं, उसे सरलीकरण के जरिए व्यापार करने का इंतजाम किया जाएगा। सीएनटी एसपीटी को लेकर जहां विपक्ष लगातार रघुवर दास सरकार पर हमला कर रही है, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएनटी एसपीटी के संशोधित एक्ट में आदिवासियों के मालिकाना हक से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने एसएआर कोड को बंद कर जमीन को हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जो एक अहम और ऐतिहासिक फैसला है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण व संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने झारखंड दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल है।